एंकर रोहित रंजन को लेकर छत्तीसगढ़ और नोएडा पुलिस पे छीना झपटी। जी न्यूज पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। सुधीर चौधरी का चैनल छोड़ना जी को पड़ गया भारी। आखिर क्यों देना पड़ा एंकर को सफाई। राहुल गांधी का प्राइम टाइम चलाना न्यूज चैनल के लिए क्यों साबित हुआ बैड टाइम। न्यूज चैनलों पर कांग्रेस नेता क्यों करने लगे कटाक्ष। देश का नंबर वन चैनल बताने वाला जी न्यूज और उसके गोदी एंकरों पर टूट पड़ा है मुसीबतों का पहाड़। पूरे देश के सामने इनकी थूथू हो रही है। फेक न्यूज चलाए जाने पर एंकर ने लाइव शो में माफी मांगी। कांग्रेस नेता बोले, आप तो पूरे कॉन्फिडेंस में आंखें डालकर झूठ पर झूठ बोल रहे थे। न्यूज चैनल पर फेक न्यूज चलाए जाने के बाद से ही कांग्रेसी नेता कई तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज चलाने के मामले में जी न्यूज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। माफी मांगने के बाद भी कांग्रेस नेता समाचार चैनल पर कटाक्ष करते हुए कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस मसले पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए मीडिया संस्थान पर जमकर हमला बोला। दरअसल राहुल गांधी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर SFI के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर वहां कहा था कि जिन्होंने ऐसा किया उन्हें मैं बच्चा समझता हूं। उनके इस बयान को जी न्यूज ने अपने प्राइम टाइम के शो में उदयपुर से जोड़ते हुए दिखाया। गोदीगिरी करने वाले एंकर को जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये खबर उनके लिए पड़ सकती है भारी। सुधीर चौधरी की जगह आए न्यूज एंकर ने पहले ही DNA में अपनी बेइज्जती करा ली। फेक न्यूज चलाए जाने के बाद रोहित रंजन ने अगले दिन अपने शो DNA में कहा, हमारे शो में उदयपुर से संबंधित गलत न्यूज प्रसारित की गई थी, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे कोई भी बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एंकर ने कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कोई चेष्टा नहीं थी। हम इस गलती के लिए पुनः क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी कि इस गलती की गंभीरता को देखते हुए कंपनी ने सख्त कदम उठाया है। गलती के लिए तत्काल प्रभाव से 2 लोगों को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद श्रीनिवास बीवी ने एंकर के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि एंकर कह रहा है कि जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें चैनल ने टर्मिनेट कर दिया है। भाई साहब, आप तो कल पूरे कॉन्फिडेंस से आंखों में आंखें डालकर झूठ पर बिलबिला रहे थे, फिर भी आप स्टूडियो में खड़े हैं, तो कार्यवाही चौकीदार पर हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया संस्थान पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर अगली बार इस तरह के फेक न्यूज उनके नेताओं द्वारा चलाए गए तो सही नहीं होगा। चलो इस मामले से और गोदी एंकर सबक तो सीखेंगे। इसी मामले में जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि राहुल गांधी को लेकर गलत तरीके से खबर प्रसारित करने की वजह से घिरे जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान नोएडा और छत्तीसगढ़ पुलिस में छीना झपटी हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करना चाहती थी। नोएडा पुलिस के मुताबिक जी न्यूज के एंकर रोहित के खिलाफ सेक्टर 20 थाने में भी जी मीडिया प्रबंधन ने केस IPC की धारा 505 के तहत दर्ज कराया है। नोएडा पुलिस का दावा है कि इसी मामले में पूछताछ के लिए रोहित को हिरासत में ले लिया गया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।